हेलो फ्रेंड्स, अभी आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये है डीजे स्टोन ब्रांड का मॉडल नेम धमाका रिंग लाइट। एंड सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने ब्लास्ट सीरीज को सक्सेसफुल किया, साथ ही साथ वो रिंग मॉडल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, रिंग लाइट मॉडल को भी। रिसेंटली अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो बड़े डीजे टावर थे रिंग लाइट में आए थे और लोगों को इतने अच्छे लगे, इतने पसंद आए। पहले हमने जो वीडियो मतलब बनाने से पहले कुछ क्लिप बनाई थी वो शेयर की थी, तो पहले भी ऑर्डर आ गए और वीडियो के बाद भी ऑर्डर्स आए, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सबके सपोर्ट के लिए। और बाकी रहा सवाल, अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि घर के लिए, इनडोर के लिए, आउटडोर के लिए, अगर आपका ओपन एरिया है, हॉल रूम है, अपने छोटे से जिम के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, या गुरुजी के सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए, पाठ पूजा के लिए, या मल्टीपर्पज के लिए कोई डीजे बाय करना चाहते हैं, तो आप डीजे स्टोन ब्रांड का मॉडल नेम धमाका रिंग लाइट बाय कर सकते हैं। जी हाँ, सही कह रहा हूँ। और बाकी अगर आप बड़े वाला मॉडल नहीं तो छोटे वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं। वाकई में इसकी आवाज काफी बुलंद है, पैसा वसूल है, बेस क्वालिटी काफी अद्भुत है वाकई में, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस में आता है। अगर हम बात करें इसकी लाइट की, तो मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे की तरफ फोकस भी करें वो, सो देट मेरे भाई बहनों को भी आइडिया लगे प्रोडक्ट के बारे में। तो ये अगर आप ध्यान देंगे, ये यहाँ पे जो ड्राइवर साइज है ये है 15 इंची का। जी हाँ, सही सुना आपने, 15 इंची का ड्राइवर साइज है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ जो ड्राइवर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 6 इंच का। जी हाँ, तो इसके कॉम्बिनेशन की वजह से इसका जो बेस है, वोकल है, काफी क्लियर आ रहे हैं, बेस काफी प्यारा आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर आप देखेंगे तो प्लाईवुड की, ये अभी हम यूज कर रहे हैं एमडीएफ बोर्ड, जो कि जाना जाता है अच्छी क्वालिटी के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। और यहाँ पे जो ग्रिल यूज हो रही है वो मेटल की ग्रिल यूज हो रही है, कोई प्लास्टिक नहीं है, मेटल की ग्रिल है। और बाकी अंदर की तरह देखेंगे लाइटिंग काफी आकर्षित लगती है, आकर्षण इसका काफी प्यारा है, मजा आता है, चाहे शाम को चलाओ, चाहे रात के टाइम चलाओ, पार्टी के टाइम चलाओ, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पूल पार्टी करते हैं, पूल पार्टी में यूज करो, टेरेस में यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज में काम आएगा। 2 वायरलेस माइक के साथ आता है, कैरोके कंपैटिबल है, सिंगर हो, सिंगिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो, और मल्टीपर्पज में, चाहे मोम डैड की एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी में हो, अगर आप रेंट का काम सोच रहे हैं रेंट पे देने के लिए, कई लोग ज्यादा रेंट नहीं दे पाते, किराया नहीं दे पाते, तो वहाँ छोटे सेट भी जाते ही है ना, जैसे बर्थडे पार्टी के लिए हो गया, या कहीं लेडी संगीत हो रहा हो, मैरिज के छोटे इवेंट्स हो गए, या मल्टीपल पर्पस में। तो फिलहाल अभी हमने इसकी बात करी, और बाकी लुक में काफ़ी प्यारा है। अब मैं बात करता हूँ इसके कंसोल की। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये है 5 बैंड इक्वलाइजर, और सारे कंसोल इसके वर्किंग है, इक्वलाइजर जो है सारे वर्किंग है, इसे कहते हैं मास्टर इक्वलाइजेशन। और फ्रेंड, ये है मास्टर बेस, मास्टर ट्रेबल। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा मुझे प्यारा लगा, ये बिल्कुल मक्खन की तरह है, अद्भुत है काफ़ी। और ये है सिस्टम का वॉल्यूम, 2 माइक आते हैं, अलग से एक माइक लगा सकते हैं, अलग से एक आप गिटार लगाना चाहे गिटार लगा सकते हैं। ये रिपीट बटन लिखा हुआ ना, ये इसलिए अगर आपको लाइट चेंज करनी हो, लाइट बंद करनी हो, ये देखिए बटन दबाया लाइट चेंज होगी, बटन दबाया लाइट चेंज होगी, ये देखिए अब लाइट ऑफ हो गया। अगर आपको लाइट नहीं पसंद आप लाइट ऑफ भी कर सकते हैं, ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी। बाकी इसको बटन दबाते हैं, कि मेरे को तो वही लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। और बाकी फ्रेंड, ये है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये है सिस्टम के वॉल्यूम का, मतलब माइक का जो वॉल्यूम है ना उसकी एडजस्टमेंट है, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये इको का है, यहाँ से आप इको एडजस्ट कर सकते हैं, माइक के संबंधित है। पेन ड्राइव लगाने से पेन ड्राइव लगा सकते हैं। मैं तो अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ, कभी भी वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए बनाऊँ, अच्छी वीडियो बनाऊँ। और फ्रेंड, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बाहर से देखा जाए कितना प्यारा लग रहा है, साथ ही साथ ये मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। जी हाँ, सही सुना, इसका जो फाइनल फिनिशिंग है, फाइनल निर्माण है, वो हमारे भारतवर्ष में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमें सपोर्ट करते हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो देश की इकोनॉमी में भी हेल्प होती है। तो कोशिश करा करो, कोई भी अच्छे प्रोडक्ट हो, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उनको सपोर्ट जरूर करा करो। मार्केट में डीजे काफ़ी सस्ते भी आते हैं, महंगे से महंगे भी आते हैं, बाकी निश्चिंत रहिए, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल अगर आप मेरे यहाँ पे आना चाहते हैं, आकर भी सुन सकते हैं। अगर आपको ये मंगवाना है तो COD की फैसिलिटी मैं देता हूँ, सिर्फ 10% एडवांस लेता हूँ, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय कैश लेता है। जी हाँ, सही सुना, कि आपको पूरा पैसा नहीं देना, अगर आप चाहो तो मुझे प्रीपेड ऑर्डर भी कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप 10% देके बुकिंग अमाउंट करा लीजिए और अपने यहाँ पे पिन कोड चेक करा लो कि वहाँ पे ऑर्डर सर्विस है या नहीं है,
वो हम चेक करके आपको बता देंगे। तो 10% एडवांस रहता है, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय कैश दे देता है। और कभी कभी पूछते हो टिंगू भी आप बाकी लोग आप एडवांस क्यों ले रहे हो? देखो मैं बड़ा प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, कोई छोटा सामान तो दे नहीं रहा। जिसने लेना होता है ना 10% क्या वो 50% भी कर देता है, 20% भी कर देता है। तो हम ये मान के चलते हैं जो हमें बुकिंग अमाउंट दे रहा है वो डिलीवरी के टाइम पे कर ही देगा, है ना। और एडवांस भी इसलिए लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, दैट्स वाई। और बाकी ईएमआई की फैसिलिटी होती है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा ईएमआई की फैसिलिटी भी देते हैं। बाकी कोशिश करिए मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, अगर आपको इसका परचेज का लिंक जानना है ना, या परचेज प्राइस जानना है, तो मैंने यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने परचेज का लिंक डाल दिया हुआ, वहाँ पर आप जाके आप चाहो तो क्लिक करके परचेज कर सकते हो। अन्यथा मेरा नंबर आ रहा होगा, हम वहाँ पे बात कर लेना। अगर आपको ये मॉडल नंबर नहीं समझ आ रहा, पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, तो इसकी भी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे आप डाल देना। टिंकू भी ये बताना कि मेरे को ये वाला मॉडल लेना, मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। एक काम करते हैं, इसमें क्या क्या एसेसरीज आती हैं और इसका डायमेंशन देख लेते हैं, बैक साइड और बैक साइड के कुछ कनेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए वही देखते हैं, चलिए एसेसरी देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एसेसरीज दिखाता हूँ कि जो डीजे स्टोन का मॉडल नंबर है द माका रिंग लाइट, उसमें एसेसरीज क्या क्या आती हैं। फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो इस प्रकार के आपको वायरलेस माइक मिलते हैं। ये यूएचएफ वाले माइक होते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले वाले माइक। और बाकी इसका फायदा क्या होता है, जो यूएचएफ माइक होते हैं वो लॉन्ग रेंज के लिए बेटर रहते हैं और डिस्टोर्शन इनका कम होता है वीएचएफ के मुकाबले। तो ये याद रखना, यूएचएफ जो माइक होता है बेटर देन वीएचएफ। तो ये यूएचएफ माइक है। इस प्रकार का एक आपको रिमोट कंट्रोल आता है, पावर ऑन ऑफ का बटन है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, इस प्रकार का एक आपको रिमोट कंट्रोल आता है। तो अब एक काम करते हैं, मैंने आपको देखो आइडिया तो दे ही दिया, अभी सिस्टम तो पावर ऑफ है। इस प्रकार के इसमें दो यूएचएफ माइक आते हैं डिस्प्ले वाले, और चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर सिंगिंग करना चाहें सिंगिंग कर सकते हैं, कैरोके कंपैटिबल है, मजा आ जाएगा। चाहे कीर्तन में यूज करो, चाहे सिंगिंग की प्रैक्टिस करो, मल्टीपर्पज में काम आता है। तो चलिए एक काम करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बैक साइड के हम कनेक्शन में समझाने की एक चेष्टा करता हूँ। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार की ना दो वायर्स आ रही होती हैं, तो हम बारी बारी करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, पहली केबल ये लेती है, इस प्रकार की केबल है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे, एक रेड पोर्शन है, एक रेड है, एक वाइट है। तो जो रेड है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका पॉजिटिव, ये जो वाइट वाला है वो करेगा नेगेटिव। यानी कि रेड को रेड में लगाना है, वाइट को ब्लैक में लगाना है, कुछ इस प्रकार। जैसे ये बटन ऊपर है, सिंपल इसको आपने यहाँ डालना है, ठीक है, ये अंदर चला जाएगा, यहाँ से इसको बंद कर देना है इस प्रकार, इसको ऐसे, तो ये लॉक कर देना है। तो ये टाइट हो गया। अब आपने ध्यान दिया होगा, एक ब्लैक कलर की केबल आ रही है कुछ इस प्रकार की, ये देखिए। थोड़ा कैमरा में नीचे है, थोड़ा डिटेल में समझाने की चेष्टा करेंगे हम और बताने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो केबल है ना, ये एलईडी के लिए है। अगर आपने ध्यान दिया हो, एक तो रेड है, बीच में ग्रीन टाइप का और साइड में ब्लैक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप ध्यान करिए, तो जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, इसको मैच करना है आपने, ठीक है। ये देखिए, ये इधर रेड है, उधर भी रेड है, और ये देखिए, बस सिंपली इसको ऐसे जोड़ देना है। ये देखिए, लॉक हो गया। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जो केबल के जो कलर है ना, आपस में मैच कर लेने। थोड़ा सा आगे आइए कैमरामैन, रेड का रेड में और ब्लैक का ब्लैक में। अब बात करते हैं बैक साइड के साइड के पैनल के बारे में। तो ये बताना चाहूँगा फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे, ऑडियो इनपुट लगा हुआ है, लिखा हुआ है, ये ऑक्स का है। यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी आउट, है ना, एफएम, ये काम के नहीं है, एलईडी पावर ये काम के नहीं है। बिकॉज इसमें देखा जाए, साइड से हमने केबल दिए हैं, क्योंकि रिंग लाइट में केबल का कनेक्शन बनाया, तो स्पेशल कनेक्शन बनाया गया है इस माध्यम से। और बाकी रहा सवाल, इसका जो पावर ऑन ऑफ का बटन है वो ऊपर की तरफ है, जब आपको वो भी हम दिखा देंगे। तो फ्रेंड, मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ, किसी के लिए भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। तो हमारा पर्पज़ ये है कि कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहा है, उसको पहले से ही बेसिक आइडिया रहेगा कि भाई कनेक्शन कैसे करने हैं, कौन सा पोर्ट किधर है किधर नहीं, पता रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन मतलब हाइट वगैरह, लंबाई चौड़ाई वगैरह, वो सब देखेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको जो भी आइडिया दे रहा हूँ, एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक देखें, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक ऊपर तक जा रहा है ये 82.2 सेंटीमीटर के आसपास ये
जा रहा है, ठीक है, आपको हाइट का अंदाजा हो गया। अब हम बात करते हैं साइड से लेके आगे फ्रंट साइड की, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहता है, यहाँ दिखाइए कैमरामैन, ये देखिए ये है 44 सेंटीमीटर के आसपास। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाने की चेष्टा करता हूँ मैं, ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम ध्यान दें 41.5 सेंटीमीटर के आसपास जी। तो आपको हाइट का भी आइडिया हो गया, डायमेंशन का भी आइडिया हो गया, बैक साइड के कनेक्शंस के बारे में चल गया, इसमें माइक कैसे आते हैं उसके बारे में भी आपको एक अनुभव हो गया, है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम माइक टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम ऑडियो टेस्ट करेंगे, और आप बताइएगा आपके लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कैसा बना कैसा नहीं वो बताइएगा। चलिए माइक टेस्ट करते हैं, चलिए चलिए फ्रेंड। अभी काम करते हैं, अभी आपने बैक साइड के कनेक्शन तो देख लिए, डायमेंशंस के बारे में मैंने बताने की चेष्टा करी, अब मन कर रहा है कि भाई माइक क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। और जो सिंगर है वो तो यार उनको पता ही है कि माइक अच्छे होंगे तो सिंगिंग करने का मजा ही अलग है। तो मैं इतना बोलूंगा, अगर आप कैरोके लवर हो, इफ यू आर सिंगर, अगर आप सिंगिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, बजट ज्यादा नहीं है, आप इस प्रकार का मॉडल लीजिए। अगर आपका ओपन एरिया है मजा आ जाएगा, स्पेशली अगर मैं हॉल की बात करूं, ठीक है। अब ये जो रूम है ना, इस रूम के लिए तो बने नहीं है ये वाले सेट, खुले एरिया के हिसाब से बने हैं, आउटडोर के हिसाब से बने हुए हैं। बाकी मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो आप मुझे मौका दें, टिंकू भाई आपका अपना ही भाई है, मेरी जो शिपमेंट जाती है वो दिल्ली से जाती है ऑल ओवर इंडिया, सीओडी की फैसिलिटी अवेलेबल है, 10% एडवांस, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम पे। आने तो आप मेरी वेबसाइट पे भी ऑर्डर देना चाहे दे सकते हैं, tulipsmile.com पे। चलिए अभी हम रैंडमली एक माइक उठा लेते हैं, सामने वाला एक माइक उठा लेता हूँ मैं, और बाकी ये देखिए मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए आवाज क्लियर आ रही है, आवाज कहीं से फट नहीं रही। जागरण करना है जागरण करो, पाठ पूजा करनी है पाठ पूजा करो, मल्टीपर्पज में काम आएगा, होली हो, नया साल हो, मॉम डैड की एनिवर्सरी हो, बिहू का त्योहार हो, कोई भी ऐसा, चाहे जन्माष्टमी हो या शिव पूजा हो, कुछ भी ऐसा जहां पे आपको लगे कि हमें इस प्रकार का डीजे सेटअप होना चाहिए तो आप ले सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं, जिम में भी यूज कर सकते हैं, जुम्बा डांसेस जहां होती हो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, स्टूडियो में भी यूज कर सकते हैं। दिस विल डिपेंड ऑन यू, कहां पे आपको इसको यूज करना है, कहां यूज नहीं करना। बाकी इसकी लाइटिंग काफी गजब की है, तो मेरा तो ये फेवरेट प्रोडक्ट हो गया है, आत्मा तृप्त हो गई है, आत्मा खुश हो गई है। ये चीज मैं बोलता हूं आमतौर पर उन प्रोडक्ट्स के लिए जहां मेरा खुद का एक सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहता है, तो मैं तो इन प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूं। इनकी रिंग लाइट मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको भी काफी प्यारी लग रही होंगी। माइक मैं यूज कर रहा हूं, माइक में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, आवाज कहीं से कट नहीं रही, आवाज कहीं से फट नहीं रही। तो सिंगिंग करना चाहे सिंगिंग कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, जोड़ी हो, आपस में दो बंदे, दोनों दो वायरलेस माइक आ रहे हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, अन्यथा एक वायर्ड माइक लगा के तीसरा व्यक्ति भी सिंगिंग साथ में कर सकता है। तो कैसा लगा कैसा नहीं तो बताना जरूर। तो अब की बार टिंकू भाई को मौका देना, दिल्ली वाले टिंकू भाई। और बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं आप सबके लिए जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको अच्छी लग रही होंगी। मेहनत कर रहा हूं, बचपन से मेहनत कर रहा हूं, और खुद की मेहनत से मैं आगे बढ़ा हूं। जी हाँ, तो फिलहाल एक काम करते हैं, अब आपका मन कर रहा होगा टिंकू भैया माइक तो आपने टेस्ट कर ही लिया, और उन सबको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। कई लोगों के पास जो होते हैं वो बोलते हैं टिंकू भैया लेना है तो आपसे लेना है, अभी मेरे पास थोड़े से फंड्स कम है, मैं अगले महीने सैलरी आएगी या रुक के लूंगा। कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं 10% बोलते हैं, 50% 20% 30% वहां तक भी दे देते हैं। तो फिलहाल चलो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, एक मैं ट्रैक चला रहा हूं आप सबके लिए, मेरे अपने भाई बहनों के लिए, तो आप बताना। चलिए ट्रैक चलाते हैं, ये देखिए जबरदस्त।
फ्रेंड आपको ओवरऑल कैसा लगा कैसा नहीं ये जरूर बताना। हम हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कोई भी वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को इतनी नॉलेज हो या कुछ हो, आमतौर पर तो बेसिक कनेक्शन ही है ना, बट मैं मान के चलता हूँ कोई भी व्यक्ति हो उसको पता होना चाहिए बैक साइड के कनेक्शन क्या है, डायमेंशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैंने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आइडिया दिया और ऑडियो टेस्ट किया, मेरे हिसाब से बेस काफ़ी क्लियर है, आवाज़ अच्छी है, माइक यूज़ करके बता दिया। अब की बार है आपने बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, अपना फीडबैक जरूर बताना। बाकी इस प्रकार के जो डीजे सिस्टम होते हैं ना वो एफएम वगैरह के लिए नहीं होते, तो इसमें जो चलता है ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ऑक्स, जी हाँ ये सब चलते हैं। और बाकी मौका जरूर देना, अगर आपको आके लेना है सुनिए डीजे स्टोन का प्रोडक्ट और मुझे बताइए, उनसे अपॉइंटमेंट ले लेना। टिंकू भी मैं इस दिन आना चाहता हूँ, या जिस दिन आने लगे तो मुझे उस दिन कॉल कर लेना, मुझे टाइम पूछ लेना। बाकी tulipsmile.com की फैसिलिटी मैं दे ही रहा हूँ, और बाकी आमतौर पर अभी हम डिलीवरी का अलग से कोई चार्ज ले नहीं रहे। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जो वीडियो बन रही है 10 मई 2024 की, फिलहाल जो हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर देते हैं ठीक है, और बाकी अंदमान निकोबार और लक्षद्वीप हम अलग से डिलीवरी का चार्ज अलग से लेते हैं। तो फिलहाल कोशिश करी और वीडियो बनाने की, और बाकी थोड़ा अंदमान निकोबार लक्षद्वीप को भी आइडिया रहता है वहाँ के कस्टमर्स को, एक तो ट्रांजिट टाइम काफ़ी बड़ा रहता है, शिपिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है वहाँ पे। तो फिलहाल मैंने कोशिश करी प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी देने के लिए, तो आई होप यू विल लव दिस वीडियो। इसी तरह प्यार दिखाते रहे, इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।